again. क्रोध, गुस्सा, एंगर वास्तव में एक शक्तिशाली भावना है और जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका शरीर एक ही बार में अलग अलग काम करना शुरू कर देता है। हमारे शरीर हमारी देखभाल करने और हमें ऐसी किसी भी चीज के लिए तैयार करने में महान है जिसे खतरे के रूप में देखा जा सकता है, दूसरे शब्दों में ऐसा कुछ जो हमारे लिए बुरा हो सकता है। जब आप गुस्सा करते हैं तो आपका मस्तिष्क शरीर के बाकी हिस्सों को संदेश भेजना शुरू कर देता है कि कोई खतरा आ सकता है, लेकिन आपका शरीर आपको सुरक्षित रखना चाहता है। यहाँ तक कि बड़ी बात न होने पर भी गुस्सा होना आपका शरीर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है, जैसे कि कोई खतरा हो सकता है या लड़ाई हो सकती है। आपका दिमाग गुस्सा और तेज करने के लिए संकेत भेजता है। किन बातों पे ज्यादा गुस्सा आता है? भूख, तनाव, घबराहट, उदासी, थकान, बीमारी या बोरियत के कारण नकारात्मक भावना आती है तो बहुत से लोगों को आसानी से गुस्सा आ जाता है। जानबूझकर रोके जाने पर, बार बार टोकने पर और किसी और की गलती होने पर व्यक्ति के गुस्सा होने की संभावना अधिक होती है। जब हम गुस्सा होते हैं तो मस्तिष्क के मामले में क्या होता है? क्रोध एक काफी जटिल भावना है। यह हमारी उत्तर देने की प्रतिक्रिया को शुरू करता है। सबसे पहले मस्तिष्क का एक हिस्सा जिसे अमिग्डल कहा जाता है सक्रिय होता है, जो कैटेकोलामाइन रसायन और कोर्टिसोल रसायन को छोड़ने का संकेत देता है। यह रसायन हमारे हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ाते हैं, इस प्रकार हमें ऊर्जावान महसूस होता है। यहाँ तक कि वे हमारे आंतरिक प्रणाली से हमारे सिर, हाथ और पैरों तक रक्त को भेजता है, इस प्रकार हमें कुछ शारीरिक क्रिया के लिए तैयार करता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो यह होता है। बार बार गुस्सा, एंगर आना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये रसायन फैटी एसिड भी छोड़ते हैं जो हमारे रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स में जमा हो सकते हैं। रक्त का बहाव कम होने पर दिल का दौरा, स्ट्रोक आदि की संभावना बढ़ जाती है। भूख लगने पर हमें गुस्सा क्यों आता है? भूख के कारण जब लोग गुस्सा हो जाते हैं तब उन्हें हंगरी कहा जाता है। माना जाता है कि विभिन्न कारणों से भूख के लिए क्रोध हो सकता है। जब हम खाना खाते हैं तो यह ज्यादातर ग्लूकोज में बदल जाता है। यह ग्लूकोज रक्त द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फिर हमारी कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, विशेषकर हमारे मस्तिष्क में। हालांकि जब ग्लूकोज का स्तर गिरता है तो हमारे मस्तिष्क के लिए खतरनाक स्थिति होती है। यह तनावग्रस्त हो जाता है, इस प्रकार हमें चिड़चिड़ा बना देता है, जो अंततः क्रोध की ओर ले जाता है। इसके अतिरिक्त जब हमारी ऊर्जा का स्तर कम होता है, एक मस्तिष्क रसायन जिसे न्यूरोपेप्टाइड वाई कहा जाता है, जो हमें भूखा बनाता है और हमें खाने के लिए उकसाता है, लेकिन जब खाना मिलने में समय लगता है तो वो क्रोध में बदल देता है। इस वजह से हमें भूख लगने पर गुस्सा आता है। क्रोध आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्रोध वास्तव में आपकी इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। नेशनल मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि जो लोग गुस्से में नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं उनमें दिल का दौरा पड़ने की संभावना 9% अधिक होती है। क्रोध को कंट्रोल करना भी बहुत आसान है। जब भी आपको गुस्सा आने लगे तो मुंह से कुछ भी बोलने से पहले 10 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। 2. गुस्से में कुछ भी गलत रिएक्ट करने की बजाय एक्सरसाइज करने लग जाएं, चलने लगें या फिर सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ें। आप इसे कंट्रोल करने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करें, जैसे स्विमिंग या वॉक। तुरंत गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लंबी सांसें लें, कुछ अच्छी सीनरी या फोटोज देखें, गाना सुनें, योगा करें या फिर कुछ अच्छा पढ़ने लग जाएं। 4. अपने इमोशन को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गुस्से में गलत रिएक्ट करने के बजाय किसी ऐसे अपने से बात करें जो आपको समझे। Subscribe my channel for more interesting topics and must share and comment it if you like it. Thanks for watching.